हेलो गाइस, पैडम भी दीजिए मनी जी। तो गाइस आज हम बात करेंगे ब्लैक वीडियो से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। उसकी जो सेट फुटेज आई है वो अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है इस वीडियो में। साथ ही साथ बात करेंगे दी इंटरनल्स की सेट फुटेज के बारे में और बात करेंगे ब्लेड से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की ऑफिशियली फुल HD इमेजेस रिलीज हुई हैं, जो कि काफ़ी कमाल की हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम पर। साथ ही साथ बात करते हैं न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन इवेंट के बारे में। तो उसमें एवेंजर एंड गेम के दो पोस्टर लॉन्च हुए हैं काफ़ी कमाल के, जो कि हैं थैनोस का और एक है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर का, जो कि लड़ने जा रहे हैं वो थैनोस से। तो ये भी काफ़ी कमाल के दो पोस्टर लग रहे हैं। उसी के साथ अब बात करते हैं ब्लैक विडो से रिलेटिव अपडेट के बारे में। तो ब्लैक विडो की कुछ सेट फुटेज आई है सामने, जिसमें कि हमें एक पुराना कैरेक्टर रिटर्न देखने को मिल रहा है। जी हाँ, रॉस थंडरबोल्ट्स, जो कि रेड हल्क इन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, वो कैरेक्टर ब्लैक विडो में रिटर्न हो रहा है। अब ये टाइम ट्रेवलिंग का तो हो नहीं सकता कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टोरी ही पीछे बैक की है सिविल वॉर की टाइम की, तो 100% ये कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है। उसी के साथ बात करते हैं डोरमामू का एक ऑफिशियली कौन सा पार्ट आया है, जो कि वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला था, पर मूवी में ये सीन हटा दिया और डोरमामू को बहुत बड़ा दिखाया गया। अब बात करते हैं दी इंटरनल्स की ऑफिशियली नई सेट फुटेज के बारे में, जिसमें कि गीमा चेन का एक नया लुक देखने को मिला है, जो कि आम पब्लिक में घूम रही है, कॉफ़ी पी रही है, ग्रीन कलर का जैकेट और अंदर एक ग्रीन कलर का टॉप पहनी हुई है, और उनका सुपर हीरो वो कॉस्ट्यूम है वो भी ग्रीन कलर का ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ एक आइकॉनिक लोकेशन जो कि हमें कॉमिक बुक में देखने को मिली थी, और वो सेम टू सेम हमें दी इंटरनल्स मूवी में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वो टॉम मंदिर, स्पेस गॉड मंदिर, कहने का मतलब मेरा यही है। तो हमें जो कॉमिक बुक में मंदिर दिखाया गया था ना स्पेस गॉड वाला, वही हमें एक्चुअल में मूवी में देखने को मिलेगा, और एक नई सिटी तो देखने को मिलेगी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपडेट दिया था। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो इसका मतलब ये मूवी बहुत ज़्यादा अलग लेवल की और डिफरेंट होने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक विडो के बाद यही मूवी हम सबको छूने वाली दिल से। अब ब्लेड का ऑफिशियली फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, उनकी हेयर कटिंग लॉन्च हो चुकी है, जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है, और 100% उनका फोटो शूट हो रहा है, मतलब शूटिंग बाद में होगी। अब उसी के साथ जस्टिन वीवर ने फाइनली शादी कर ली है, ये इस वीडियो से अटैच तो नहीं था, पर फिर भी मैंने सोचा कि इस पॉप सिंगर का भी अपडेट दी जाए, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली ब्लैक पैंथर 2 की स्क्रिप्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है, स्टोरी लाइन पे काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि कन्फर्म करा है डायरेक्टर रैन ने। और उसी के साथ जिसे FM फाइनली बोल रहे हैं कि वो सुपरमैन पे काम करना चाहते हैं, इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं WB के लिए। जी हाँ, तो पॉसिबिलिटी सुपरमैन भी फ्यूचर में पॉसिबल है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको जो वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।